हमारी युवा पीढ़ी बहुत दुख होता है देख करके, क्या जो चल रहा है बिल्कुल सोचते ही नहीं। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो आपस में नौजवान लड़का लड़की साथ रहते हैं, मिलते जुलते हैं, रिलेशन में आ जाते हैं, और लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं। इतना बुरा हाल हो गया है, इतना बुरा हाल हो गया है हॉस्टलों के अंदर, पीजी के अंदर, गलियों के अंदर, बहुत बुरा हाल हो गया है। कुछ बच्चे तो सुसाइड तक की नौबत आ जाती है, क्योंकि समय रहते उन्हें पता नहीं चलता, और जब समय रहते पता नहीं चलता तो जो वो बच्चा है उसको गिरा नहीं पाते। जब गिराने का टाइम आता है उनको दवाइयां नहीं मिलती, जब दवाइयां नहीं मिलती कुछ को मिल जाती है, गलियों के अंदर भ्रूणों को फेंक देते हैं। पीछे मैं नाम नहीं लूंगा, एक कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज की नींव खोद रहे थे हरियाणा के अंदर ही, वहाँ बहुत से छोटे छोटे बच्चों के भ्रूण मिले थे। जांच भी की गई, खोजबीन भी की गई, पता चला वहीं आसपास हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के हैं। तो कितना दुख होता है, कितनी परेशानी होती है, कितनी पीड़ा होती है जब वो कोई आपकी बहन इस प्रकार से करे, सुसाइड तक की नौबत आ जाए। बहुत ज्यादा परेशानी की बात है। ये इतना बड़ा विषय है, इसके ऊपर जितना भी बोला जाए उतना कम है, जितना भी बोला जाए। कुछ डस्टबिन के अंदर बच्चे मिलते हैं, छोटे छोटे भ्रूण, नालियों के अंदर मिलते हैं, नदियों के अंदर फेंक देते हैं, खिड़कियों से फेंक देते हैं। क्या हालत हो गई है हमारे देश की नौजवान पीढ़ी। इस दुकान के ऊपर जाते हैं, स्टोर के ऊपर जाते हैं, किट लेते हैं, गोली खा लेते हैं। उनसे जो शरीर के हार्मोनों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जो शरीर के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, वो तो चलो अलग है, बाद की बात है। लेकिन जब तक हमारी युवा पीढ़ी ब्रह्मचर्य की ओर ध्यान नहीं देगी, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, ना पढ़ाई हो पाएगी, ना जॉब मिल पाएगी, ना कामयाबी मिल पाएगी, न मन पवित्र होगा, न विचार पवित्र होंगे। मेरे पास एक लड़की आई हुई थी, उसने कहा कि मेरे भाई के साथ मेरे संबंध हैं। मैं सोचता रह गया, सोचता रह गया मैं कि अपने भाई के साथ संबंध, और वो भी उन्होंने कहा कि मैं दो बार प्रेग्नेंट हो चुकी हूं उससे। सोचो, क्या आपके बच्चे सुरक्षित हैं? आप अपने बच्चों को एक कमरे के अंदर रोक करके आप दूसरे कमरे में चले जाते हैं। भाई बहन की एक ही अवस्था है, एक ही उम्र है, साल दो साल कम ज्यादा,
आप क्या समझते हैं वो पढ़ाई करेंगे? क्या उनको जो ये शरीर के अंदर बदलाव हैं, हार्मोन चेंज हो रहे हैं, क्या उनका प्रभाव नहीं होगा उनके ऊपर? आप कितना रोकोगे उनको, कितना दबाओगे उनको? आप तो अपने रूम के अंदर गए, सो गए। क्या आपने सोचा है वो बच्चे अकेले हैं, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है? आपकी नजर में तो बस भाई बहन है, खेल रहे होंगे। ये जो मैं वो घटनाएं बोल रहा हूं जो मेरे पास आ रही है आजकल समाज से जुड़ी हुई, जिनके ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरत है, जिनको संभालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर उन बच्चों को अपने साथ रखा जाए, क्या उनको मौका मिलेगा? क्या उनको मोटिवेट किया जाए, क्या उनको मौका मिलेगा? उनको अगर सही से समझाया जाए बैठा करके, क्या उनको इन चीजों का मौका मिलेगा? एक परिवार अगर साथ में रहे, क्या उनको मौका मिलेगा? इसलिए बड़े परिवार उस समय पर बहुत जरूरी थे कि बच्चे अपने दादा दादी के पास होते थे, उनके लिए कोई मौका नहीं होता था। लेकिन आज दादा दादी अलग कहीं पड़े हुए हैं, हम उठाए कहीं कि नहीं, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, मैं परिवार के साथ नहीं रहूंगा, मेरी उससे नहीं बनती, उससे नहीं बनती। लेकिन इस घरेलू लड़ाई के कारण से, छोटी छोटी बातों के कारण से हमने अपनी जो खोया है ना, वो कभी हासिल नहीं हो सकता, आप नहीं प्राप्त कर सकते उसको। जो उन बच्चों ने प्रेम खो दिया, जो उन बच्चों ने अपने दादा दादी का प्यार खो दिया, जो उन बच्चों ने शिक्षा खो दी, जो उन बच्चों ने इमोशंस खो दिए, जो उन बच्चों ने रिश्ते खो दिए, जो उन बच्चों ने ये गलत रास्ते का चुनाव कर लिया, क्या उनके दादा दादी साथ में होते तो क्या ये हो पाता? बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो हम जब अपने बच्चों को संभालेंगे, उनको ब्रह्मचर्य की शिक्षा देंगे, उनके ऊपर ध्यान रखेंगे, हमारा बच्चा कहाँ रहता है, किससे मिलता है, कितना टाइम किसके पास है, कितना उसके साथ है। मैं आजकल देख रहा हूँ बहुत बुरा हाल हो गया है समाज का, जब गलियों के अंदर भ्रूण फेंक दिए जाते हैं, जब कूड़ेदान में ये चीजें मिलती हैं, जब ये किट लेने जाती हैं वो लड़कियां, वो मुंह मांगे दाम वसूलते हैं कि जितने पैसे मांगेंगे उतने देने पड़ेंगे, अगर नहीं देंगे तो समाज की शर्म, परिवार का डर और सुसाइड की नौबत, और तो ऑप्शन ही नहीं। और जहां वो स्टोर के ऊपर गए हुए हैं, वो लोग भी उन बच्चों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि हमें ये लड़की मिल जाए, किसी भी तरह से ये हासिल हो जाए, मजबूरी वश मरता क्या न करता। कितना झेलते हैं बच्चे, किस लिए? कुछ पल के लिए, कि कुछ पल के मजे के लिए कम से कम हर कदम संभल करके चलना चाहिए। जब तक जॉब नहीं लगती तब तक तो कम से कम अपने को कंट्रोल में रखना चाहिए, कम से कम तब तक तो संभाल करके रखो। जब तक आप संभाल करके रखोगे, अगर उस टाइम तक संभल गया ना, कि जब तक जॉब नहीं लगती तब तक संभल गया, फिर शादी का टाइम आ जाएगा, फिर जीवन में मौका ही नहीं मिलेगा, फिर इधर उधर देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आवश्यकता भी हुई तो समझ इतनी हो जाएगी कि कम से कम ये नौबत तो ना आएगी कि बच्चे गलियों के अंदर फेंकने पड़े, ये तो नौबत नहीं आएगी। जब ये नौबत नहीं आएगी तो जीवन में काफी परिवर्तन होगा। लड़कियों का फेस देखना ना तेज रहता है, न उनके अंदर ताकत रहती है,
खून की कमी हो जाती है, क्योंकि परिवार वालों को तो कुछ पता नहीं होता क्या चल रहा है हमारे बच्चों का। बच्चे हवा में उड़ते रहते हैं, आजकल ये काफी ट्रेंड में मामला चल रहा है। तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने बच्चों को एक एक की अपडेट कि बेटा अब कहाँ है, क्या कर रहा है, नाइट पूरी रात बाहर रहते हैं पता ही नहीं चलता, पूरा दिन बाहर रहते हैं पता ही नहीं चलता, एक एक हफ्ते गायब हो जाते हैं, महीने महीने गायब हो जाते हैं, बच्चे हॉस्टलों की दीवार से कूद करके बाहर चले जाते हैं। लड़कों की नहीं, लड़कियों की भी यही हालत हो चुकी है कि पूरी रात हॉस्टल की दीवार से कूदे गायब हो गए। क्या निर्माण होगा उन बच्चों का? आप इतनी दूर 500 किलोमीटर बैठे हैं अपने बच्चों से, 200 किलोमीटर बैठे हैं अपने बच्चों से, क्या सिखाएंगे आप? शाम को एक बार बात की क्या बेटा क्या कर रहा, वो भी की तो की, नहीं तो नहीं की। क्या आपने कभी अपने बच्चों को देखा आप क्या कर रहे हो? क्या आप उनको अपने साथ रख सकते हो? जब तक आप अपने बच्चों को ध्यान नहीं दोगे कि बच्चे को पता है अभी मम्मी पापा की कॉल आ गई, 8 बज गए, ठीक है पापा मैं सो रहा हूँ, बच्चा सोता थोड़े ने है, 8 बजे फोन कटा वो गायब, कल शाम को 8 बजे आपकी कॉल होगी, तब तक या तो वो वहाँ होगा नहीं तो एकांत में जा करके बात करेगा और आप सोचोगे हाँ बहुत अच्छा है मेरा बच्चा, बहुत अच्छा चल रहा है। ये हालात हमारी युवा पीढ़ी के हैं जो हॉस्टलों से कूद कूद करके बाहर जा रहे हैं। क्या खेल चल रहा है ये? दूसरों की तरफ नहीं देखिए कि क्या चल रहा है समाज में, क्या हो रहा है, उसका बच्चा क्या कर रहा है, उसका बच्चा क्या, सब अपने अपने बच्चों की तरफ ध्यान दो। जब अपने बच्चे सही हो जाएंगे दूसरे के बच्चे अपने आप सही हो जाएंगे। हमें सबको मिलकर, एक से काम नहीं होगा ये किसी से भी, पूरे सब लोगों को मिलकर के इसके ऊपर काम करना होगा। हमें उनके ऊपर ध्यान देना होगा कि मौका ही नहीं देना, जो ही मौका मिलेगा कि ये कौन है, ये पापा मेरा फ्रेंड है, कि ये कौन है पापा ये मेरा जस्ट फ्रेंड है, कि ये कौन है कि ये पापा मेरा और नजदीक का फ्रेंड है। और जब पता चलता है तो आपको सब पता है, मैं क्या बोलूं, आप सब जानते हो क्या रिश्ते होते हैं उनके साथ, कि कभी किसी के साथ चले गए कभी किसी के साथ चले गए, और बोलते हैं कि ये हमारी लाइफ है, अपने जीने का ढंग है, ये मेरा जीने का तरीका है। अपने पेरेंट्स को भी बोलने लगे आजकल तो कि मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। कौन सी पर्सनल लाइफ भाई? क्या यही पर्सनल लाइफ है? इसी को पर्सनल लाइफ बोलते हैं कि जीवन में छेड़छाड़ मत करो, रोका टोकी मत करो, इसी को बोलते हैं क्या? कि पेरेंट्स बोल देते हैं नहीं बेटा उस लड़के के साथ नहीं जाना, नहीं बेटा वो लड़का अच्छा नहीं उसके साथ बात मत करना, नहीं बेटा उस लड़के को छोड़ दे उसके पास नहीं रहना, कि नहीं पापा मुझे स्पेस चाहिए। क्या स्पेस चाहिए आपको? क्यों, क्या करोगे उस स्पेस का? आप गलत ही इस्तेमाल करोगे। आपके पेरेंट्स का जो अनुभव है ना वो अपने अनुभव के हिसाब से आपको हैंडल कर रहे हैं, लेकिन आपका जो युवा का हार्मोन्स का जो चेंज है ना आप उस हिसाब से अपने सर्कल को हैंडल कर रहे हैं। याद रखना जब समय आएगा ना ऐसे लोग आपके साथ नहीं होंगे, बस आपका परिवार साथ होगा और वही साथ निभा पाएगा, वरना जिसके लिए आप सबको छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो ना वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा और वो आपको छोड़ करके चले जाएंगे। तो अपने बच्चों को संभाल करके रखिए, उनको अकेला फील मत कराइए, टाइम दीजिए उनको, अपने साथ रखिए। उनको आपके साथ की ज़रूरत है और आपको उनके साथ की ज़रूरत है, तो अपने बच्चों के साथ तालमेल सबसे ज़रूरी है, और उनको धर्म के साथ साथ थोड़ा सा सामाजिक शिक्षा भी दीजिए जिससे उनका जीवन के चारों तरफ से विकास हो सके।